SRKB गवर्नमेंट कुकी कॉलेज किशनगढ़ से मैं डॉक्टर कमलेश विक्रम हूँ। बच्चों आपका स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस लेक्चर में। आज हम एमकॉम फाइनल के ब्रेक इवन एनालिसिस पार्ट वन को ले रहे हैं। CVP एनालिसिस आपने पढ़ा, इसके साथ ही मैंने आपको जो है डिफरेंट जो है लेक्चर्स जो कि कॉस्टिंग से रिलेटेड थे, जिनसे कि बेसिक कॉस्ट अपने जो है वापस से क्लियर करनी थी आपको, कॉस्ट के कंसेप्ट्स, उसके मैंने आपको लेक्चर्स भी जो है साथ में सेंड किए थे और उनके वीडियोस भी हैं, आप अच्छे से उनको देख सकते हैं, जो कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट और मटेरियल कंट्रोल, डिसीजन फॉर मटेरियल कंट्रोल, लेबर कंट्रोल, ओवरहेड एंड यूनिट आउटपुट, इन सबको कवर करते हुए हैं, जो कि आप पहले भी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। लेकिन अब चूँकि एमकॉम में आपका ही पेपर एडवांस कॉस्टिंग प्रॉब्लम का, तो उसमें उन सबको वापस से एक बार रिवीजन की तरह से स्टडी करना जरूरी है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस, जैसा कि इसके वर्ड से ही लग रहा है कि इसमें क्या है कि हम जो है कॉस्ट को जो है ब्रेक कर लेते हैं। हम कॉस्ट को दो भागों में डिवाइड करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर हम ये कह दें कि हमारे बिजनेसेस में जो है हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको हम क्या करते हैं, अलग इसलिए करते हैं, जैसे हमने मान लीजिए कोई नया प्रोजेक्ट हम लेने वाले हैं और पुराने किसी प्रोजेक्ट पे हमारी वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों मिलाकर के जो टोटल एक्चुअल कॉस्ट आ रही है, टोटल कॉस्ट इक्वल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन अगर हम एक नया कोई प्रोजेक्ट लेते हैं या नया उसका हमारा जो आउटपुट है उसका एक्सटेंशन करते हैं या हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं, तो उस वक्त हमारी जब कैपेसिटी बढ़ी या प्रोडक्शन बढ़ा या डिपार्टमेंट बढ़ा है आपका या वस्तुओं का प्रोडक्शन बढ़ा है, तो उस वक्त हम जो है चाहते हैं कि ये नया जो एक ऑर्डर आपने आया तो उसको जो है ले लिया जाए। लेकिन अगर आप फिक्स कॉस्ट वापस से उस पर वही टोटल कॉस्ट पर यूनिट चार्ज करते रहे तो क्या होगा, आपको ऑर्डर हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि ये है कि हम ये करना चाह रहे हैं कि भाई हमारे ये ब्रेक इवन पॉइंट है और इसके बाद में हमें नो प्रॉफिट हो रहा है और जो नया ऑर्डर है उसको हम जो है केवल फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी हमारी जो है चार्ज हो चुकी है, इसलिए हम उसको जो है केवल उसकी वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे ही जो है उसको ले लेते हैं। यानी हम क्या करते थे बच्चे, फाइनेंशियल कॉस्टिंग में आप अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप इनको अलग अलग नहीं करते थे वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट के, लेकिन यहाँ मेनली हमें इसी काम को करना है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस कैलकुलेशन है और एग्जामिनेशन है हमारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, सेल्स माइनस बीई सेल्स, यानी कि आप निकालते हैं वो सेल्स जहाँ पर क्या आकर के जो है बीई सेल्स का मतलब है कि जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट है ना, ना आपको लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। और सेल्स एक्चुअल अगर आपकी बी सेल्स से ज़्यादा है तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है आपके लिए कि आप जो है बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, कुछ आपके लिए फ़ायदा हो रहा है। बी सेल्स से अगर ऊपर सेल्स है तो आपके बिजनेस के लिए अच्छी है। एनालाइजिंग डिफरेंट प्राइस लेवल्स रिलेटिंग टू वेरियस लेवल्स ऑफ डिमांड अ बिजनेस यूजेस ब्रेक इवन एनालिसिस। हम ब्रेक इवन एनालिसिस को यूज करते हैं डिफरेंट प्राइस लेवल्स के लिए और टू डिटरमाइन व्हाट लेवल्स ऑफ सेल्स आर नेसेसरी टू कवर द कंपनीज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। हमें ये देखना जरूरी है कि हमारे को इतना तो हम सेल्स ले ही लें। देखिए बच्चों, सेल्स में से अगर आप कॉस्ट माइनस करते हैं तो आपका प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि सेल्स में से एटलीस्ट फिक्स कॉस्ट तो हमारी जो है चार्ज हो जानी चाहिए, हमें इतनी तो कॉस्ट हमारी जो है रखनी ही होगी। अ डिमांड साइड एनालिसिस वुड गिव अ सेलर सिग्निफिकेंट इनसाइट रिगार्डिंग सेलिंग कैपेबिलिटी, है ना, सेलिंग कैपेबिलिटी आपकी कितनी है, ये सब अभी यहाँ पर जो है डिसाइड किया जाएगा कि आप 80% पे काम कर रहे हैं या 70% पे कर रहे हैं या 100% पे कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो ब्रेक इवन एनालिसिस होता है ये हमें यूजफुल होता है डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शंस में, डिफरेंट डिजायर्ड सेल्स मिक्स। सेल्स मिक्स का मतलब है कि आप ए की कितनी ए और बी सी तीन आपके जो है प्रोडक्शन प्रोडक्ट है, तो उनके लिए आप ये डिसाइड करें कि भाई ए की कितनी वस्तु बनाई जाए, बी की कितनी और सी की कितनी है। तो इस तरह से इसके लिए जरूरी है। तो द टाइप ऑफ एनालिसिस डिपेंड्स ऑन द कैलकुलेशन ऑफ बीईपी। ये सारी कैलकुलेशन किस पे डिपेंड करती है, हमारे बीईपी पॉइंट पे। ब्रेक इवन पॉइंट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन बाय प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पर इंडिविजुअल यूनिट लेस द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी आपने कहा कि अब बीईपी सेल्स निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट अपन आप नीचे करते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। क्योंकि आप क्या करें, फिक्स्ड कॉस्ट तो रिमेन सेम है, तो इसलिए आप जो है उसको जो कितनी यूनिट्स पे आप जो सेल कर रहे हैं उस पर फिक्स कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी चार्ज हो जाती है, तो उसको नहीं लेकर के हम उसकी तुलना करते हैं फिक्स कॉस्ट हमारी सेल्स में से वेरिएबल जाने के बाद उसके कितना ही परसेंटेज में रहती है। ब्रेक इवन एनालिसिस लुक एट द लेवल ऑफ फिक्स कॉस्ट रिलेटेड टू प्रॉफिट्स अर्न बाय ईच एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, है ना। इसमें भी देखते हैं भाई हमारी जो इकाई है, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर उस पर जो हमें लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है ये देखना होगा। अगर एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया जाए तो उस पर हमें किसी प्रकार का कोई
प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उसको ही किया जाएगा. इन जनरल अ कंपनी विथ लोअर फिक्स कॉस्ट विल हैव टू लोअर ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल. अगर आपका फिक्स कॉस्ट जितना कम है उतना ही आपका बीपी सेल का पॉइंट कम होगा. जैसे कंपनी की मान लीजिए कि आप जीरो फिक्स कॉस्ट पर हैं तो ऑटोमेटिकली आप ब्रेकन अपॉन द सेल्स ऑफ फर्स्ट प्रोड्यूस्ड एज्यूमिंग वेरिएबल कॉस्ट डू नॉट एक्सीड सेल्स रेवेन्यू. However, the accumulation of variable cost will limit the leverage of the company as these expenses come from each item sold. यानी ऐसा है, variable cost का मतलब ये होता है कि जब हम items जितने sell कर रहे हैं उन पर actual cost कितनी लगेगी. अगर आपने items ज़्यादा production किया तो वो sales उनकी variable cost ज़्यादा होगी. अगर आपके items कम है तो वो variable cost आपकी कम रहेगी. Break-even point is the production level at which total revenues equal total expenses. जहाँ पर आकर के आपके खर्चे और इनकम बराबर हो जाए, यानी कि आपके पास में कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स नहीं है, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. बिजनेस इज ऑल्सो हैव ए ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन दे आर नॉट मेकिंग और लॉसिंग मनी. वहाँ पर उनका ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ उन्हें ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही वो अपना मनी लॉस कर रहे हैं. एक छोटा सा व्यापारी जो होता है वो भी ब्रेक इवन पॉइंट को समझता है. जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक व्यापारी के पास आप केले वाले के पास मॉर्निंग में जाते हैं तो उसके केले का वो देखिए उसे कॉस्टिंग किस लेवल तक आती है. बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ. तो वो उसको वहाँ पे देखता है कि भाई उसने वहाँ पे कितना अर्न किया. तो वो मॉर्निंग में आपको जो है जितने सेल्स ने कर केले का जो उसने कैरेट लिया है, केले का पूरा जो अपने उसने इतना ठेला भरा है, तो उसके पास में 20 kg केले हैं. तो वो पर केजी डिसाइड कर लेता है, पर केला उसकी रेट डिसाइड हो जाती है. अगर उसने 1 kg का रेट उसमें मान लीजिए 50 rupees पर केजी रखा है, लेकिन आप उसे शाम तक आते आते आप देखेंगे तो उसका रेट कम हो जाता है. दिन में वो 40 दे सकता है और शाम को 30 rupees में भी आपको दे देता है. बिकॉज वो जानता है कि उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है. क्योंकि उसने सुबह 50 rupees रखा था, वो क्या था, रेवेन्यू ज़्यादा था उसका, एक्सपेंसेस थे उसके, खर्च किया हुआ था. उसने 30 rupees में खरीदे थे केले 1 kg और आपको दे रहा था 50 rupees के, 20 rupees उसका मार्जिन था. तो अगर उसने मार्जिन लिया था तो वो वहाँ पर उसका ब्रेक इवन पॉइंट अभी डिसाइड नहीं हुआ यानी कि. लेकिन जब शाम तक आते आते उसने क्या किया कि रेवेन्यू जो था उसका उसने कम करना शुरू कर दिया. सुबह कितना रेवेन्यू था बच्चों, 20 rupees, लेकिन शाम तक आते आते उसका रेवेन्यू का परसेंटेज कम होता चला गया और शाम तक आते आते मिल हो गया. उसने कहा कि मैं ठीक है केले 30 rupees में भी दे दूँगा. क्यों दे रहा है वो, बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस करेगा क्या? लेकिन वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चीज़ ऐसी कि ख़राब हो जाएगी, नेक्स्ट डे उसको जो है लॉस पे जाना पड़ेगा. तो ब्रेक इवन पॉइंट उसने निकाल लिया, उसका ब्रेक इवन पॉइंट 30 rupees था जहाँ पर उसे कोई भी लॉस नहीं हो रहा है और ना ही कोई इनकम बन पा रही है. ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है. तो वेरिएबल कॉस्ट को वापस से देखिए क्या है, इट इज़ ए कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस दैट चेंजेस इन प्रॉफिट प्रोपोर्शन टू प्रोडक्शन आउटपुट. अगर आपका प्रोडक्शन का आउटपुट चेंज होता है तो ये चेंज होता है. आपने कहा भाई हम 3000 इकाई बना रहे हैं तो 3000 इकाई पर आपका 5 rupees पर इकाई आ रहा है. तो अगर आपने इकाइयाँ ज़्यादा बढ़ाई तो 5 rupees आपका 15000 था, लेकिन अब अगर आपने 4000 इकाई बनाई तो आपका ये खर्चा वेरिएबल कॉस्ट 20000 हो गया. दैट मीन्स ये इससे बढ़ जाता है. दे राइज एज प्रोडक्शन इंक्रीजेज एंड फॉल एज प्रोडक्शन डिक्रीजेज. एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड पैकेजिंग. अ वेरिएबल कॉस्ट कैन बी कंट्रास्ट विद अ फिक्स कॉस्ट. अ वेरिएबल कॉस्ट इज ए कॉर्पोरेट एक्सपेंसिस दैट चेंजेस इन प्रोपोर्शन विद प्रोडक्शन आउटपुट. तो इस तरह से ये हमने देखा, व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज, व्हेन प्रोडक्शन डिक्रीजेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेज. अ वेरिएबल कॉस्ट स्टैंड्स इन कंट्रास्ट टू फिक्स्ड कॉस्ट व्हिच डू नॉट चेंज नो मैटर द चेंज इन प्रोडक्शन लेवल. वेरिएबल कॉस्ट वर्सेज फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट आर एक्सपेंसेस दैट रिमेन द सेम. अगर आपका प्रोडक्शन का आउटपुट चेंज हो रहा है, आपने 3000 से 4000 इकाई बनाई तो भी आपका खर्चा फिक्स्ड वही रहेगा, सेम रहेगा, चाहे आपके बिजनेस में सेल हो रही हो नहीं हो रही हो, लेकिन आपको फिक्स्ड कॉस्ट तो पे करना ही होगा. तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं बच्चों? रेंट है, एम्प्लॉई की सैलरी, इंश्योरेंस है, ऑफिस के खर्चे हैं. तो इनमें क्या है कि या तो फिक्स है जो कि आपको देने ही होंगे, बिजनेस के प्रोपोर्शन में आपको जो है वो देना ही होगा. इफ़ ए बिजनेस इंक्रीजेज प्रोडक्शन और डिक्रीज प्रोडक्शन रेंट विल नॉट बी चेंज. आपने कहा भाई हमारा उत्पादन कम हो गया 2000, आप गए मकान मालिक के पास भाई इसका बिल्डिंग का किराया कम कर दीजिए, तो वो नहीं करेगा. फिक्स कॉस्ट कैन चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. द चेंज विल नॉट बी रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड फिक्स कॉस्ट आर व्यूड एज ए लॉन्ग टर्म कॉस्ट. इसको हम लॉन्ग टर्म कॉस्ट मानते हैं, चेंज नहीं होती है. देर इज ऑल्सो ए कैटेगरी ऑफ कॉस्ट दैट फॉल्स बिटवीन फिक्सड एंड वेरिएबल कॉस्ट. इन दोनों के बीच में कौन सी कॉस्ट आती है बच्चों? वो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट. सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज अ मिक्स ऑफ फिक्सड एंड वेरिएबल कॉस्ट. कॉस्ट आर फिक्सड एट अ सेट लेवल ऑफ प्रोडक्शन. अगर आपने कहा 20% प्रोडक्शन नहीं या 30 या 40 तक भी करते हैं तो हमारी फिक्स कॉस्ट वही रहती है. लेकिन वो कहते नहीं भाई अगर आपने प्रोडक्शन लेवल बढ़ा दिया तो थोड़ा बहुत ये खर्चा हमारा बढ़ जाएगा, तो उसको जो है
जो थोड़ा सा खर्चा वेरिएबल की तरह से बढ़ता है उसको वेरिएबल पार्ट कहा जाएगा और कुछ को फिक्स कहा जाएगा, यानी एक ही कॉस्ट में दो तरह के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। इफ़ नो प्रोडक्शन अकर्स अ फिक्स कॉस्ट इज ऑफन स्टिल इनकर्ड, आपने प्रोडक्शन नहीं किया तो भी जीरो प्रोडक्शन पर भी आपका खर्चा फिक्स कॉस्ट रहेगा ही। एज द प्रोडक्शन आउटपुट इंक्रीजेज द वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज, जैसे जैसे आपका उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी जो है वो बढ़ जाती है, जो मैंने आपको बताया कि उसके अकॉर्डिंग जो है उसको चेंज किया जाता है, पहले बता चुकी हूँ मैं आपको। अब हम इसका फॉर्मूला कर लेते हैं कि हमारी जो है टोटल कॉस्ट क्या होती है, तो हमारी टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, सेल्स में से टोटल कॉस्ट अगर माइनस करते हैं, टोटल कॉस्ट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल, तो प्रॉफिट्स आते हैं। अ कंपनी कैन इंक्रीज इट्स प्रॉफिट बाय डिक्रीजिंग इट्स टोटल कॉस्ट, जितनी टोटल कॉस्ट कम होगी यानी आपका इसका डिफरेंसेस जितना आप स्ट्रेच करेंगे, सेल्स ज़्यादा हो जाए टोटल कॉस्ट कम हो जाए, सेल्स आपके हाथ में नहीं है, सेल्स का फैक्टर मार्केट के अकॉर्डिंग चलता है तो टोटल कॉस्ट का फैक्टर बचता है जिसको हम कम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है हमारे पास में वो है, अब फिक्स कॉस्ट को चैलेंजिंग है उसको भी आप कम नहीं कर सकते क्योंकि आप कैसे रेंट कम करेंगे या कैसे जो है अपने एम्प्लॉयज का जो है किसी का सैलरी कम कर पाएंगे, तो ये सब कम होना आसान नहीं है। तो डिक्रीजिंग कॉस्ट यूजली मीन्स डिक्रीजिंग वेरिएबल कॉस्ट, अगर आपको कहा जाए कॉस्ट को कम करो तो आप क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट को ही कम करने की कोशिश करोगे क्योंकि उत्पादन के साथ बढ़ती है, उत्पादन के साथ घटती है। धन्यवाद।